देख सकते हो आज है ना मेरी डाइटिंग चल रही है और मैंने खीरा काट के लेके आई हूँ। देखो मैं सना बोली कि खाना ना कम कर दो क्योंकि मेरा वजन भी बढ़ रहा है और आज सुबह मैंने दलिया भी बनाया था और सुबह मैंने नाश्ता किया था दलिया और घी का। और देखिए ज़्यादा तो मुझसे नहीं होती डाइटिंग, थोड़ी बहुत तो करना पड़ेगा, धीरे 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 आधा डालनी पड़ेगी गाइस मेरे को। और मैं जल्दी डाल के जल्दी से और खीरा खाऊंगी। देखिए गाइस सोना नहीं खा रही, कोई कुछ तो कर ही सकती हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? हम सब अच्छे हैं, बढ़िया है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन गट्टे की सब्ज़ी। तो ये है मोटा धनिया, ये सौंफ और ये जीरा और ये लाल चार मिर्ची देखिए। और इनको थोड़ा बहुत है ना उन्हें मैं सिकाई कर लूँगी हल्की सी इनको सबको डाल के। तो देख सकते हो आप इनको सिकाई के और इसको ना मैं ठंडा कर लेती हूँ प्लेट में डाल करके। डाल के जमी और पीस लेती हूँ फटाफट से। देख सकते हैं आप खड़े गरम मसाले दर दर से बनाया है मैंने। और पहले मसाला पीस लेती हूँ गाइस साथ के साथ। ये है ना एक प्याज है और ये लहसुन, ये हल्दी पाउडर, ये मिर्च पाउडर लाल मिर्च, और ये आधी चम्मच धनिया पाउडर। ये बेसन और बेसन में डाल रही हूँ ये मसाला जो मैंने दर दर सा बनाया था फ्राई करके ये डाल रही हूँ। ये नमक डालने जा रही हूँ, ये लाल मिर्च पाउडर देखिए आप, ये घी है घी डाल के और गुलाई करनी है तीन चम्मच, दही है और दही में अंदाजे से डाल के और इसकी गुलाई करनी है। ये तो पूरा डाल लेती हूँ। और दही ना खट्टा नहीं ताजा बिल्कुल भी। और पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डाला, दही से हो गई इसकी गुलाई। और मैं इसके ना थोड़ा सा घी डाल के और इसकी बुनाई करूँगी अच्छे से। ये देख कितना बढ़िया, देख सकते हो आप कितनी बड़ी बुनाई की मैंने बेसन की। इसको नहीं बना लेती हूँ मैं बेसन कट्टे। देख सकते हो आप साइडों से आपको इंतजार कर लेना है पहले।
वैसे बनाती जाऊंगी मैं इनको। अब देख सकते हो इधर मैंने पानी चढ़ा दिया गरम इनको उबालने के लिए, और ये बन चुके हैं। वो बेसन में देखिए आप, पांच बन चुके हैं इसमें। तो इनको ना पानी उबाल आ चुका है और इसमें डाल देती हूँ गाइस। देख सकते हो आप उबल चुके हैं, और उबलने के बाद में निकाल लेते हैं इसको प्लेट में। बात है टूट भी जाएगा। ठंडा होने देती हूँ, तब तक मैं वो ना मसाला तैयार कर लेती हूँ गाइस। ये पानी बचा है इसको ना मैं काम में ले लूंगी, सब्जी में भी डाल लूंगी, और ज्यादा रहेगा तो मैं आटा गूंद लूंगी इस पानी से, और इसको नीचे उतार देती हूँ। तो इनको ठंडा होने के बाद में फ्राई करूंगी गाइस। ये ठंडे हो चुके, इनके फुल कटिंग कर लेती हूँ एक साथ बिल्कुल भी। आप अपने हिसाब से काट सकते हो। इसमें डालने जा रही हूँ तेल, इनको फ्राई भी करना है मुझे। तेल गर्म हो चुका है और मैं डाल लेती हूँ इनको, फ्राई कर लेती हूँ। जिससे थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करूँगी इनको। और अब मैं निकाल लेती हूँ गाइस इनको, ज़्यादा हार्ड हो जाएंगी नहीं थी टाइट। ये तेल बचा हुआ था उसी में मैं ना सब्जी बना लेती हूँ। ये जीरा डाल लेती हूँ मैं जी, बारीक कटा हुआ। और अभी मसाला पिसा हुआ जो मैंने पीस के रख रखा था, इसमें डालने जा रही हूँ। मसाला डाल दिया है मैंने, और अब इसको अच्छे से भुनाई करूंगी मैं गाइस। और ये गाइस मैंने मसाला ना तैयार करके रख रखा था, वो आधा उसमें काम में ले ली थी, आधा इसमें डाल रही हूँ। डाल देती हूँ, और इसमें डालना है नमक मुझे, ये नमक। देखते हैं मसाला गाइस, देख सकते हैं आप मसाला भून चुका है, इसको फिर जारी आ गई इसमें मसाले में, और किनारे पे तेल हो चुका है। इसमें डाल देती हूँ टमाटर, ये तीन टमाटर। और गाइस टमाटर बहुत महंगे हो रहे हैं अभी, जल्दी से किचन में टमाटर नहीं आ रहे, मैं दही से काम चला रही हूँ अभी, टमाटर बहुत महंगाई हो रही है। वो भून लेंगे मसाले को, भुनाई कर लूँगी अच्छे से। टमाटर डालने के बाद में अच्छे से और भुनाई कर ली मैंने गाइस, और ये डाल देती हूँ मैं बेसन कट्टे इससे ले। भाई जी पानी डाल दिए उबाले थे ना मैंने, ये संगठे उसका पानी है, एक कटोरी पानी। थोड़े खा लिए, ये डाल देती हूँ पानी में।
फिर उसको पानी को पकने देती हूँ और 5 मिनट के बाद में नीचे उतार देती हूँ गैस। और इसके ना गैस को थोड़ा कम करके बनाऊँगी मैं। अब ये बन चुकी है सब्जी और थोड़ा कम कर देती हूँ इसको गैस को। सब्जी बनकर तैयार हो चुकी गाइस। और ये मैं डाल देती हूँ कसूरी मेथी हाथों से मसल के, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। ये डाल दी मैंने कसूरी मेथी और सब्जी बनकर तैयार हो चुकी गाइस। देखिए आप, और इसको नीचे उतार देती हूँ मैं सब्जी को। देखिए बेसन कट्टे की सब्जी, और आप लोग अगर पानी कम डालना चाहो तो कम डाल सकते हो। हमारे ना थोड़ा झोली सब्जी ज़्यादा खाते हैं। देखिए गाइस बहुत अच्छी सब्जी बन रही है, देख सकते हो आप। ये सब्जी तैयार हो चुकी है, सब्जी गाइस मैं नीचे उतार देती हूँ। गाइस देखिए आटा भी गूंद लिया मैंने और रोटी बना लेती हूँ। फिर गाइस देख सकते हो खाना बन चुका है। आप सोच रहे होंगे पहले मैंने रोटी बनाई थी, क्योंकि इसके पापा ना रोटी खाते पराठा नहीं खाते, कि खांसी चलती है इनको पता नहीं क्यों पराठे से। तो अरसद के लिए पराठे बनाए और सना भी रोटी खाई है और मैं भी रोटी खाती हूँ। गाइस मेरे लिए खाना डाल लेती हूँ गाइस और खाना खा लेती हूँ मैं। ज़्यादा सब्जी नहीं है, केस बनता है मेरे। गाइस देखो दूध गर्म हो रहा है, दूध लेके आई हूँ अभी और मैं ब्लॉग का इवेंट कर रही हूँ। आपको ब्लॉग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।